हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही चटपटी लहसुन प्याज की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये तीखी, खट्टी, चटपटी हर टेस्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तड़के वाली चटनी को आप जरूर देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट हम बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा चम्मच जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा लाल मिर्च। ये ड्राई मसाला हम एक साथ में रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कढ़ाई गरम करके और फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका मॉइस्चर चला ना जाए, इसमें से तेल थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। कितने देर तक हमें भूनना है, ध्यान रहे फ्लेम हम एकदम स्लो रखेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो अपना ड्राई मसाला जल जाएगा। हमने सूखे मसाले को 3 से 4 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें खनक की आवाज आ रही है और खुशबू भी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना मसाला भून चुका है। इसे हम एक सूखे प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये ठंडा होगा तब हम इसे मिक्सर जार में पीसेंगे और इसी कढ़ाई में हम तब तक अपना लहसुन प्याज भूनेंगे, क्योंकि ये लहसुन और प्याज की चटनी है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा चम्मच तेल ले रखा है। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 4 बड़े बड़े प्याज काट के डाल देंगे। तो प्याज को हमें रफली चॉप करना है, क्योंकि भूनने के बाद बाद में हमें इसे चटनी ही बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमने पतले पतले स्लाइस में रफली काट रखा है। प्याज को हम लगाते हुए भूनेंगे। प्याज के साथ ही हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े लहसुन को छीन लिया है, यानी कि 2 बड़ी लहसुन को हमने हटा के ले लिया है। तो ये एक स्पेशल लहसुन प्याज की चटनी बहुत ही जायदेदार होती है। ये ऐसी चटनी है कि कहीं भी पेट हो जाती है और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देख सकते हैं प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक भून लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे 5 से 6 इमली। इमली वही है जिसे हम दाल और में डालते हैं। तो इसे भी हम प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। ये अपनी लहसुन प्याज की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही बेजोड़ तैयार होने वाली है। तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज लहसुन भून चुका है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम ड्राई मसाला को पीस लेते हैं। हमने जो ड्राई मसाला भून के रखा था वो ठंडा हो चुका है, इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे, क्योंकि अपनी सूखे मसाले की क्वांटिटी कम है। बड़ा वाला में अगर हम पीसते हैं तो ये फैल जाएगा, बारीक से पीस नहीं पाएगा। तो हमने इसको छोटे वाले जार में भर लिया है। चलिए हम इसको पीस लेते हैं। देख सकते हैं अपनी ड्राई मसाला जो है वो पीस चुकी है। तो हमें ऐसे ही दरदरी डालना है, नहीं तो क्या होगा, इसका टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए हम अब प्याज और लहसुन ले आ रहे हैं जार में भर के। हमने इसी जार का मसाला दूसरे में ट्रांसफर करके और प्याज लहसुन भर लिया है। अब हम ढक्कन लगा के इसे भी पीस लेंगे। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो अपनी चटनी गाढ़ी है तो हम थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के और फिर से पीस लेंगे। तो हम इसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच तेल लेंगे और तड़का तैयार करेंगे। तो आपने देख लिया एक ही कढ़ाई में अपनी चटनी बनके तैयार हो रही है। कोई दूसरा बर्तन, ज्यादा झंझट न, ज्यादा मगजमारी, बहुत ही आसानी से ये चटनी तैयार हो जाता है। तेल अपना गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच राई। तीनों को हम डाल के अच्छे से तड़का लेंगे। हम चलाते हुए तड़का को तैयार करेंगे।
आप देख सकते हैं ये चटनी का तड़का कितना सुंदर दिख रहा है। जब कभी ये क्रंच मुंह में आता है चने दाल उड़द दाल का, तो चटनी के स्वाद में चार चांद लग जाता है। तो आप सुन सकते हैं हल्का हल्का अपना फोड़न तड़कने की आवाज आने लगी है, तो हमें जलने बिल्कुल नहीं देना है। इसी स्टेज पे हमें ये चटनी डाल देना है जिसे हमने मिक्सर में मिक्स रखा है। उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और फिर से डाल लेंगे। तो हमने पानी डाल के मिक्सर को चला लिया है और उसे भी इसमें डाल लेंगे, क्योंकि चटनी बहुत गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी चटनी नहीं तैयार की जाती है। अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं और इसे हम उबाल आने तक तड़के में पकाएंगे। अपनी चटनी में उबाल आ चुकी है, यहाँ पे हम डालेंगे ये ड्राई मसाला जिसे हमने रोस्ट करके मिक्सर जार में रखा था। यही चटनी की स्वाद बढ़ाती है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। तो चटनी है थोड़ी चटपटी होनी चाहिए और कलर अपना अच्छा दिखे, इसके लिए यहाँ पे हम एक चम्मच शिमला मिर्च डाल रहे हैं। शिमला मिर्च तीखा कम होता है पर दिखने में कलर सुंदर लगता है, तो यहाँ पे हमने मिर्च डाल दिया। अगर आपको चटनी तीखा कम चाहिए तो मिर्च कम डालिए, पर चटनी तो चटपटी ही होनी चाहिए। यहाँ पे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और इसे भी मिक्स करके एक उबाल तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपनी चटनी की कलर, उसका तड़का और खुशबू भी आ रही है क्योंकि हमने सौंफ जीरा का पाउडर बनाया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चटपट चटनी सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने प्याज लहसुन की चटपटी खट्टी मीठी चटनी बनाना कितना आसान है। तो इस चटनी को आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चटनी बड़ा पाव हो, समोसा हो या कई रेसिपी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, ऐसा चटनी आप खा के एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।